मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अब जमाना बदल गया है, युग बदल गया है, सोच बदल लीजिए, जीवन को बदल लीजिए, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ध्यान रखना, हमें ही बदलना पड़ेगा। और ये बदलने की बात है, ये बदलने का उपक्रम समाज से नहीं होगा, राष्ट्र से नहीं होगा, हमसे होगा। एक एक व्यक्ति राष्ट्र हुआ करता है, और एक एक व्यक्ति यदि सुधरेगा, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनती है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व का निर्माण हुआ करता है। परिवर्तन अपने घरों से आना चाहिए। 21वीं सदी है ये, ध्यान रखना, जहां जगह मिले आ जाओ, हाउसफुल हो गया यहां, साइड में जहां भी मिले इस साइड आ जाओ, बैठने की थोड़ी वॉलंटियर व्यवस्था करें। अशोक जी, पंडाल फटेहाल, ध्यान विचार करिए, तुम्हें कह रहा था कि घर से व्यवस्थाएं सुधारिए, घर से जीवन सुधारिए, अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाने का प्रयास करिए। एक घंटे की पूजा पाठ से जीवन में मंगल होने वाला नहीं है, एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी को पवित्र बनाना पड़ेगा। बहू ने कहा कि महाराज, हम यदि अपने घर में कुछ करते हैं तो हमारी सासू, हमारे ससुर जी कहते हैं लिमिट क्रॉस हो रही है, हमसे कहा जाता है फ्रीडम ज्यादा मिल गया है, स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है, यह बातें बोली जाती हैं महाराज। और जब यही बातें हमारी ननन जब ससुराल से पीहर आती है ना, तो यही माँ उसे समझाती है कि बेटा ससुराल में कैसे रहना, ससुराल की हुकूमत कैसे करना, ज्यादा सास से दबना नहीं, झुकना नहीं, जिस बातों का विरोध करती है मेरी, वही बातें वो मेरी ननंद को सिखाती है। बहुत पीड़ा होती है महाराज, बहुत दर्द होता है महाराज। ये दोहरे मापदंड क्यों है हमारी माताओं के बीच में? मैं जानता हूं एक ऐसी सास को, वो मेरे दर्शन करने को आई, मैंने कहा अम्मा जी सुखी हो? अरे बोले सुखी तो हूं महाराज, बस एक दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? बोले जो बहू आई है ना, तो मैंने कहा क्या हो गया उसको? अरे बोले कोई तमीज नहीं, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया उसको। तो मैंने कहा तू सिखा दे। अरे बोले महाराज देखने गए थे, शादी की थी, अब तो बड़ी सुशील लग रही थी, 8 बजे तक सो के नहीं उठती है, पूरा घर उठ जाता है, वो सोती रहती है, बड़ों को बड़ा नहीं समझती, छोटों को छोटा नहीं समझती, बड़ी बेरुखी से बात किया करती है, बहुत दुखी हूं महाराज, जब से ये बहू आई है मेरे जीवन में नरक हो गया। मैंने कहा और मामा जी बेटियां कैसी हैं? अरे बेटियां, अरे क्या बताऊं महाराज, क्या किस्मत लेकर आई हूं मैं, क्या पुण्य कमाए थे किस जन्म में। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले ऐसे कंवर साहब मिले हैं, ऐसे कंवर साहब मिले हैं। मैंने कहा कैसे मिले हैं? अरे हीरा है, हीरा। मैंने कहा कैसा हीरा? बोले बेटी को उठने तक नहीं देता, चाय बना के दे देता है, और जो बेटी कहती है वही करता है। कौन से जन्म में मैंने ऐसे पुण्य कि ये दोहरे मापदंड। बहू को कहती है किस्सों के समय पे नहीं उठती, और दामाद से कहती दामाद हीरा है, बेटी की जुबान पे बात नहीं आती, और कमर साफ पूरा कर दिया करते, पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बाहर खिलाने ले जाते हैं। तर गई महाराज बेटियों की तरफ से तो मैं, ध्यान रखना, तू तर नहीं गई, तू मर गई, ध्यान रखना विचार। ये स्थिति हमारे घरों की, बहू के लिए उसी चीज पर पाबंदी और बेटी के लिए उसी चीज की शिक्षा, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ध्यान रखिए। निवेदन है मेरा, मैं ससुर से और सासुओं से निवेदन कर रहा हूं, दोहरे मापदंड मत रखिए। एक जानते हो, एक महिला मंदिर आई, अम्मा जी रास्ते में मिली, नमोस्तु महाराज, प्रणाम प्रणाम। उनका अम्मा जी बड़ी खुश दिख रही है, बोले बहुत खुश हूं महाराज। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बोले 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां सुखी है? सुखी तो क्यों नहीं रहेंगे, जब मैंने उनकी शादी की थी ना, तो महाराज क्या बताऊं तुम्हें, मेरा भी दिमाग ऐसा चला, मैंने कहा अपनी लड़कियों की शादी वहां करूंगी जिस घर में सास नहीं है,
और सांस नहीं है तो हुकूमत अपने हाथ में। इतनी सुमिन का चारों मिल गए, ऐसे तुम्हारे चारों मिल गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से। सांस नहीं है उस घर में, इतना राज करती है हमारी बेटियां, जो कहो वो होता है। तो मैंने कहा अम्मा जी और कोई कमी जिंदगी में? बोले एक कमी है। मैंने कहा क्या? बोले जो हमारा लड़का है ना। मैंने कहा हाँ। बोले 35 साल का हो गया। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बोले 35 साल का हो गया महाराज। तो मैंने कहा हो गई भाई? अरे बोले ऐसा नहीं, अभी तक कुंवारा बैठा है, शादी नहीं हो रही उसकी, बस एक तकलीफ है। मैंने कहा अम्मा जी लड़की देखने वाले नहीं आते क्या? बोले बहुत आते हैं, रिश्ते तो इतने आ रहे, लाइन लगी है, जो आता है लड़के को देखता है, घर जाता है कहता जवाब देंगे, आज तक जवाब ही लौट के नहीं आता है। हम इंतजार ही करते हैं, कुंडली भी मिल जाती है लेकिन शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा अम्मा जी नहीं होगी। बोले क्यों, कोई शनि की दशा लगी है क्या? मैंने कहा दशा नहीं लगी, दशा बैठी है। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा तूने तीनों बेटियों के लिए संकल्प लिया था ना कि जिस घर में सास ना हो वहां दूंगी, तो और बेटी वाले भी तो हैं। मैंने कहा जब तक तू रहेगी लड़का कुंवारा रहेगा, ध्यान रखना, और जिस दिन तो दुनिया से चली जाएगी उस दिन लड़के के फेरे लग जाएंगे। दोहरी नीतियां मत चलो मेरे भाई, ध्यान रखना, दोहरे मापदंड मत रखिए। बेटी के लिए अलग व्यवहार, बहू के लिए अलग व्यवहार। बेटी 4 दिन को आती है VIP ट्रीटमेंट मिलता है, बहू 24 घंटे साथ रहती है, 2 दर्जा मिला करता है। क्या बात है कि एक सास 10-10 साल की हो गई बहू, शादी हुए आज भी उसे बहू ही समझती है, ध्यान रखना, आज तक उसे बेटी नहीं समझ पाई, आज तक उसे बहू का ही दर्जा दिया जाता है, आज तक वो पराया जीवन ही जीती है। मान्यवर आपके घर में नहीं है, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं अच्छा घर हो, लेकिन कहानी उन घरों की है जहां बहुएं प्रताड़ित की जाती हैं, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहू ही सास को प्रताड़ित करती हो, सास भी कुछ कम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये भी बहुओं को बहुत उलाहने दिया करती है। मान्यवर बहुएं ताली तो बजा दो, आज तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। कौन बोला आज किसने सद्बुद्धि दे दी? बहुत बढ़िया, जय हो पंचम काल की। विचार बहुत परेशान होती है आज बहुओं की स्थिति वह है घरों में। उस बहू ने कहा महाराज बहुत पीड़ा होती है हमें भी, हम भी परिवार छोड़ के आए हैं, हम भी इस घर को अपनाते हैं, लेकिन इस घर ने हमें आज तक अपनाया नहीं। क्या होता, क्या क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, सासुओं से मैं पूछता हूं बेटी कब आती है तुम्हारे घर में गर्मी की छुट्टियों में? यहां रोज नाश्ता कौन बनाता है? बेटी आके बनाती है, बहू बनाती है? बहू बनाती है ना, रसोई कौन बनाती है? बहू बनाती है। चलो नौकरानी होगी, निर्देश तो बहू देती है ना, देखती है ना, बीमार हो जाओ तो बहू आके पूछती है, बीमार हो जाओ तो दवाई भले झुंझला के दे, गुस्से से दे, देगी बहू ही, पड़ोसिन देने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कुछ भी करेगी, तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बहू ही साथ में आती है। बेमन से आए या मन से आए, साथ तो बहू ही देती है ना। सुबह से उठती है, तुम्हारी व्यवस्था करती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। एक बात ध्यान रखो, आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती है? ईमानदारी से बताना, बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है, बेटी तो 4 दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है, ध्यान रखना। किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा है? कन्या भले कह दिया जाए लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षा बंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी, ध्यान रखना। कमर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे
मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर कर के उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना, आज तक किसी बेटे की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी का रूप है, बहू सरस्वती का रूप है। जब वह बहू घर में आती है तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है तो यही बहू सरस्वती का रूप हो जाया करती है, ध्यान रखिए, और यही बहू लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है, ध्यान रखिए। बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है, बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी, ध्यान रखना। नानी में तो नाना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मान जितने भी रिश्ते हैं, आज तुम्हारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है तो बहू की वजह से, आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू माँ कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं, और तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू ध्यान रखना, कितनी भी पूजा कर लेना, एक घंटा पूजा करना मंदिर में, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, माला फेरना। भगवान महावीर ने कहा है शरीर और आत्मा में भेद करोगी तो सम्यक दृष्टि हो जाओगी, और बहू और बेटी में भेद करोगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगी, ध्यान रखना। बहू बेटियों में भेद की रेखा मत खींचिए, कितना भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी समाज सेवा कर लो, कितना भी धर्म कर लो, यदि बहू से नफरत करती हो तो आपकी पूजा पाठ सब एक पाखंड है, एक ढोंग है, कुछ नहीं होने वाला इससे, कोई कायाकल्प होने वाला नहीं है। ये पूजाएं तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकती हैं, ये पूजाएं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकती हैं, कितना भी कर लेना। समाज में बड़ी बड़ी माला पहनने से कोई महान नहीं हुआ करता है, हर एक बात याद रखना, ये समाज की मालाएं कोई हकीकत की नहीं हुआ करती है, 80% तो धोखेबाजी हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के सम्मान में कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने घर में जो सम्मान पाता है वो दुनिया में महान हुआ करता है। अपनी बहू की नजरों में उठी हो क्या, अपने परिवार की नजरों में अच्छे बने हैं क्या, नहीं बनते हैं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, कोई कीमत नहीं हुआ करती है, अपने घर की नजरों में ऊपर उठने का प्रयास करिए। मानिए तकलीफ क्या हो जाती है, बहू लेने तुम ही जाती हो, शादी नहीं होती तो 10 जगह हाथ पैर जोड़ती हो, कुंडली मिलाती हो, मेरे लड़के की शादी करा दो। एक काम करना, युवाओं से मैं कहूंगा, शादी आदि करो ना, कुंडली मुंडली का एक अलग लफड़ा, इस चक्कर में कई कुंवारे घूम रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अब की बार कुंडली मिलाओ तो अपनी मत मिलाना, है ना। किसी भी पंडित को दिखाना तो कहना, जो लड़की मेरे घर आ रही देख, उससे मेरी माँ की कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेरे पास उसे कितना रहना है, सबसे ज्यादा तो सासू के साथ, गड़बड़ घर वहीं से होता है, क्योंकि जो बहू आएगी अधिक से अधिक समय भाई परिवार में गुजारती, तुम्हारे साथ कितना गुजारेगी। सुबह जाओगे थके हारे दुकान जाओगे, शाम को लौटोगे दुकान से, रात को घंटे दो घंटे बात करोगे, फिर नींद लग जाएगी, फिर चले जाओगे। गड़बड़ तो महाभारत कहां से शुरू होती है, बहुओं से और सासुओं से। मान क्या तकलीफ हो जाती है बहू के आने पर, एक बात बताओ, केवल इतनी है कि एक मां अपने बच्चे को अपने बेटे को अपने अनुसार पालती है, अपने अनुभव से पालती है, अपने जीवन की दिशा से दृष्टिकोण से पाल के बड़ा करती है। बच्चा मां के अनुसार पलता है,
स्कूल से आता है, मम्मी मेरा बैग कहाँ है, मम्मी मेरे जूते कहाँ है, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ है, मम्मी मेरा खाना कहाँ है, मम्मी को ढूंढता है बच्चा। जब तक शादी नहीं होती, ध्यान रख, मम्मी को ही तो ढूंढता, मम्मी मम्मी हर चीज में मम्मी, बाजार चलना मम्मी, शॉपिंग करना मम्मी, ध्यान रखना हर जगह माँ के साथ घूमता है बच्चा। एक बात याद रखना, हर जगह वह माँ को तलाशेगा, तकलीफ नहीं होती वहां, दुख है तो मां, सुख है तो मां, कहीं जाना है तो मां, पापा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक तकलीफ थोड़ी सी हो जाती है कि जब शादी होकर के वह आता है तो थोड़ा समय उसे पत्नी को भी देना पड़ता है, ध्यान रखिए। और जब ये समय हमारे समय में से कटने लगता है ना, तो मां को तकलीफ होने लगती है, ध्यान रखिए। ये नेचुरल बातें हैं, प्रैक्टिकली बातें हैं कि पहले आते साथ बेटा मां को ढूंढता था, अब बहुत से काम ऐसे हैं जो पत्नी के हवाले हो जाया करते हैं। और जब कोई काम, जब वह आवाज अपनी पत्नी को देता है और मां को नहीं देता, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है भीतर, ध्यान रखना। शादी के बाद जितनी मुश्किल सासू को होती है ना, उससे ज्यादा मुश्किल लड़के को भी हुआ करती है। ये मत सोचो कि केवल बहू को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, परेशान होती है, ये लड़कों को भी बहुत दिक्कत। जब तक शादीशुदा लड़कों से पूछो, हमेशा कहते इससे तो हाँ, ये तुम क्यों बोल रही, उनको बोलने दो, ध्यान रखिए। क्या स्थिति बनती है उस लड़के की, क्या करे, उसकी भी जिम्मेदारी होती है थोड़ी पत्नी के प्रति। वह लड़की हमारे घर में आती है, वो लड़की का कौन है उस घर में, एक बात बताइए। जो बहू आई है तुम्हारे घर में, तुम्हारी तो बेटी भी है, तुम्हारा तो छोटा बेटा भी है, तुम्हारा तो बड़ा बेटा भी है, तुम्हारा तो पति भी है, सब कुछ तुम्हारा है, उसका कौन है इस घर में। वह तो पहली बार आई है ना, वह तो नहीं जानती, वह किसी को नहीं समझती है। तुम अपने बच्चे का नेचर समझती हो, तुम अपनी लड़की का नेचर समझती हो, बहू की ट्यूनिंग तो किसी से नहीं मिलती है। अब एक बात बताइए, यदि वो बहू अपने इमोशनल को, अपनी भावनाओं को अपने पति से शेयर नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी, किससे अपनी बातें बताएगी, किससे अपने दिल की बातें बताएगी। वह पराए घर से आई है, उसे भी तो ट्यूनिंग मिलाने में वक्त लगता है, 5 साल लगता है, 10 साल लगता है। आप अपने बच्चे से 25 साल में ट्यूनिंग मिला पाती हो, बहू से कहती 2 दिन में इस घर में एडजस्ट हो जाओ, वक्त लगता है, समय लगता है। वह किससे बोले, अपनी अच्छी बातें बुरी बातें ले दे के उससे पति से ही बोलना पड़ेगा, उसके सपोर्ट में कौन है। मानी बहू किसी को किसके भरोसे आई है, वह एक पति के भरोसे आई है ना। तो एक बहू यदि पति से समय मांगती है, एक बहू अपनी भावनाएं यदि पति से शेयर करती है, तो सासुओं को दुख नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि वो पूरी जिंदगी पति के भरोसे ही जीने के लिए वहां पर आई है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा, लेकिन वो लड़की जो पराए घर से हमारे घर आई है, उसके हर एक्शन का वैल्यूएट किया जाता है। वह क्या कर रही है, कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, कैसे खिला रही है, ज्यादा हंस रही है तो आफत है, नहीं हंसती है तो आफत है, रो देती है तो आफत है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, काम करे तो सासू कहती डिस्टर्ब मत कर, लेट हो जाए अभी तक सो रही है। ध्यान रखना कितनी निगरानी रखते हो एक बहू पर, ध्यान रखिए। मान्यवर थोड़े से जीवन को बदलिए, हर बात वो पति से ही कहेगी और ये उसका हक है, ध्यान रखिए। समझने को तैयार क्यों नहीं होते हो, उसकी जिंदगी का मजिस्ट्रेट कौन है, उसके जिंदगी का जज कौन है। पति के लिए ही वह शादी करके आती है, ध्यान रखिए। मान्यवर मां की पीड़ा ये होने लगती है कि अब बेटे पर बहू का कब्जा होने लगा है। दर्द केवल इतना है कि बेटा हाथ से गया, बेटा क्या करे बेचारा। अब शादी के बाद भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाए क्या, शादी के बाद भी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने को जाएगा, शादी के बाद अरे एकाध बार चला भी जाएगा। कभी तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो, ध्यान रखिए। मान्यवर लोग कहते हैं कि बहुएं परेशान है, जहां तक मेरा अनुभव है बेटे बहुत परेशान है। यदि अपनी पत्नी की बात वो मां से शेयर करता है, पत्नी का पक्ष थोड़ा सा मां के सामने लेता है, तो मां कहती अच्छा
चार दिन की आई जोरू का, बेचारा करे क्या सुन सुन के। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो जोरू का गुलाम होता है, और पत्नी की ना सुने तो पत्नी कहती है अभी तक मां की उंगली पकड़ के चलोगे, बड़े कब होगे तुम। ध्यान क्या स्थिति बन जाती है उसकी। पहले घर में आता था, दुकान से हंसता था, मुस्कुराता था, खुश होता था, अब आता है इधर पत्नी का मुंह बना है, उधर मां की त्योरी चढ़ी हुई। कैसा जीवन बना दिया, कैसा नरक में जीवन बना दिया। एक माँ को यदि कोई भय है तो केवल असुरक्षा का भय होता है, उस असुरक्षा के भय में वो अपने शक करती है अपने बच्चे पर, और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुओं से अत्याचार प्रारंभ। भय क्यों है आपको, आप क्यों सोचते हैं कि हमारा बेटा पराया तो नहीं मेरे भाई। और यदि तुम्हारा बेटा पराया हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम्हें हो, बहू नहीं है। ध्यान रखना, 25 साल में, 20 साल में तुम उसे इतना प्यार नहीं दे पाई, 20 साल में तुमने क्या संस्कार दिए हैं कि 20 साल जिसने माँ से प्यार किया और 1 साल में पत्नी से प्यार करने लगा। ध्यान रखना, कमी तुम में होगी। ध्यान रखना, थोड़ा अपने दिल को बड़ा करिए। क्या करे माताएं भी, पड़ोस में एक से एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, एक से एक सलाह देने वाले। अरे सुनो, बोले क्या, बोले बहू आ रही है ना, बोले हाँ, ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना, तेरे की घर उसका बहू, तेरे पेट में क्या हो रहा है, ज्यादा सिर पे। आजकल यही होता है, मंदिरों में पद्म पुराण नहीं पढ़ती है, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, महापुराण पढ़ रहा हो, खुला तो शास्त्र रहता है, बातें कोई और चलती रहती है। यहाँ शास्त्र खुला है, वहां दो बैठी हैं। अब हालत तो बहुत खराब है मंदिरों के, मैं देखता हूँ। लोग कहते महाराज आप मंदिर में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते हैं, मैंने कहा सिवा धर्म के और सब कुछ मंदिर में मिला करता है, इसलिए मेरा मन ज्यादा। बैठी थी मैं, जाके दर्शन कर रहा था, दो अम्माएं बैठी आपस में बात कर रही, शास्त्र खुला पड़ा है, मंगला चरण किया है, आगे का एक अक्षर नहीं पड़ा है, शास्त्र खुला है। उसने कहा क्यों तेरी शादी हो गई क्या लड़के की, बोले हो गई। अरे बोले तूने मुझे तो बुलाया नहीं, पुराण कौन सा रखा, पद्म पुराण, और पढ़ा क्या जा रहा है, बुढ़िया पुराण, ध्यान रखिए। बोले तूने मुझे, अरे अम्मा जी क्या करूं नहीं भूल पाई, कार्ड तो भेजा था नहीं हुआ, अरे आजकल हमने कार्ड छपाना बंद कर दिए, अब तो मोबाइल में ही मैसेज। अरे तू भी पागल हो गई, मैं कभी मोबाइल देखती हूँ क्या। अब देखो पुराण कौन सा खुला है, रामचरित्र खुला है, रावण का चरित्र पढ़ा जा रहा है। मान लो कि बोले कैसी शादी हुई, बोले शादी तो अम्मा जी इतनी बढ़िया हुई, इतनी तारीफ करी। बोले एक बात बता कितना मिला है, देखो तेल जले तेली का दिल जले, अब तुझे क्या मतलब कितना मिला है कितना नहीं मिला। अरे कुछ लाइए दहेज महेज। बोले नहीं, मैंने ज्ञान गंगा महोत्सव में पुलक सागर के प्रवचन सुन लिए थे और मैंने कह दिया था आज के बाद दहेज नहीं लूंगी। अरे तेरी मती मारी गई, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, ना उनके आगे कोई ना बाबा जी की बात में लग गई तू भी। बोले कुछ नहीं मिला, बोले नहीं, बोले धत तेरे की हीरा सा लड़का, शब्द देखो अनुप्रास अलंकार, हीरा सा लड़का कौड़ियों के भाव में। जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी बेटी क्यों नहीं देती। ध्यान रखना, मत फूको किसी के घर, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, कान भर दिए जाते हैं और एक हंसता खिलखिलाता घर बिखेर दिया जाता है। ध्यान रखिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है मंदिरों में बैठकर केवल धर्म की बातें होना चाहिए, मंदिरों में बैठकर धर्म कथा होना चाहिए। इसकी बहू नहीं आई, उसका बेटा नहीं, ये आदमी भी कौन से कम है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। ध्यान रखना, इनसे यदि पूछ लो कि वेदी पे कौन कौन से भगवान है तो नाम नहीं मालूम होगा, पूछ लो कि किस भगवान का कौन सा चिन्ह है तो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कौन की बहू आ रही है और कौन की बहू नहीं आ रही है। कल नहीं आई, आज नहीं आई, कहां गई, धत्तेरे की। क्या देखने जाते हो मंदिर में, मंदिरों को अपवित्र मत करिए मेरे भाई। किसी भी सास के कानों में ऐसी गंदगी मत डालो। मेरी सभा में बैठे तो एक एक महिला एक संकल्प करे कि कोई यदि हमारे घर की बुराई या बहू की बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है, ये गंदगी डालना है तो कहीं और जाकर के डाल, मेरे हंसते खिलखिलाते घर पर बुरी नजर मत लगा। ध्यान रखिए,